बिरजू एक गरीब आदमी था। अपने 6 साल के बेटे पप्पू और पत्नी सावित्री के साथ अपने छोटे से घर में रहा करता था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बिरजू जलजीरा पानी बेचता था। बिरजू का बनाया हुआ जलजीरा बड़ा ही स्वादिष्ट होता था। लोग बिरजू का जलजीरा चटखारे ले लेकर पिया करते थे और कुछ ही घंटों में बिरजू का सारा जलजीरा बिक जाया करता था। ठीक ठाक आमदनी हो जाने के बावजूद बिरजू के घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। ऐसे ही एक दिन सावित्री बिरजू से कहने लगी, सुनो जी, पप्पू अब स्कूल जाने लायक हो गया है, इसे स्कूल में दाखिला दिलवा दो। और मेरी चप्पलें भी तो टूट गई हैं, एक जोड़ी नई चप्पलें भी ला दो। देख सावित्री, जलजीरा पानी बेचकर मैं इतना ज्यादा नहीं कमाता हूँ जितने ज्यादा तू मुझे खर्चे बता देती है। देखो जी, घर की जरूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। तुम अपनी कमाई बढ़ाओ ना। अरे इस महंगाई के जमाने में कमाई बढ़ाना गरीबों के बस की बात नहीं है। जैसे हमारी गृहस्थी की गाड़ी चल रही है ना, बस ऐसे ही चलने दे। ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या हम अपने पप्पू को स्कूल नहीं भेजेंगे? अरे पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, स्कूल की फीस कहाँ से भरूंगा मैं? मैंने सोच लिया है, पप्पू की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा? कल से मैं भी काम करूंगी, हम दोनों मिलकर कमाएंगे और अपने बेटे को पढ़ाएंगे। अरे क्या काम करेगी तू, कहीं जाकर मजदूरी करेगी क्या? मैं पुदीना चटनी वाली आलू चाट बनाकर बेचूंगी। ठीक है भाग्यवान, जो तुझे ठीक लगे वो कर, मैं तो चला अपना जलजीरा बेचने। और बिरजू जलजीरे का मटका अपनी साइकिल पर रखकर जलजीरा बेचने चला गया। उधर यमलोक में यमराज जी अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और चित्रगुप्त जी लेखा जोखा पुस्तक लिए यमराज को बता रहे हैं। यमदेव महाराज, धरती लोक पर बिरजू नामक मानव जो कि जलजीरा बेचने का कार्य करता है, उसका अंत समय आ गया है महाराज। उसकी आत्मा को लाने के लिए किसी यमदूत को मृत्युलोक भेज दीजिए। चित्रगुप्त जी, धरती लोक का भ्रमण किए हमें बहुत समय हो गया है, अतः हम सोच रहे हैं कि हम स्वयं ही धरती लोक चले जाएं। हमारा भ्रमण भी हो जाएगा और हम बिरजू की आत्मा को भी ले आएंगे। जैसी महाराज की इच्छा। तो भी ठीक है, हम तुरंत प्रस्थान करते हैं। और फिर यमराज जी अपने भैंसे पर बैठकर यमलोक से धरती पर आकर इधर उधर गलियों और बाजारों में विचरण करने लगते हैं। सब लोग यमराज की विचित्र वेशभूषा को देखकर हंसने लगे। एक आदमी ने तो यमराज जी को रोककर उनसे पूछ भी लिया, अरे भैया, कौन सी नाटक मंडली में काम करते हो? ये तुमने रावण का रूप धारण कर रखा है या घटोत्कच का? अरे मूर्ख मानव, हम यम हैं, यमराज हैं हम, यमलोक से यहाँ भ्रमण के लिए आए हैं। वावा जी वावा, तुमने तो भाई असली यमराज को भी फेल कर दिया, क्या बढ़िया डायलॉग बोला है, वाह 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 वाह। और ये कहकर आदमी हंसता हुआ चला गया। यमराज जी भी अपने भैंसे को लेकर आगे बढ़ गए। भैंसा यमराज जी से कहता है, हे यमदेव, ये धरती वासी आपकी वेशभूषा को देखकर आपका उपहास बना रहे हैं। हाँ, तुम शायद सत्य बोल रहे हो, मुझे भी इन धरती वासियों के जैसी ही वेशभूषा धारण करनी होगी। और फिर यमराज जी इंसानों की तरह के कपड़े धारण कर लेते हैं और भैंसे से कहते हैं, अब देखो मैं भी एक मानव ही लग रहा हूं ना, अब मैं बिना किसी समस्या के धरती का भ्रमण कर सकूंगा। तुम ऐसा करो, अदृश्य होकर मेरे साथ रहो। जो आज्ञा प्रभु।
भैंसा अदृश्य हो जाता है और यमराज जी मानव रूप में आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर यमराज जी एक बर्फ का गोला बनाने वाले को देखते हैं तो उसके पास जाकर कहते हैं, अरे भाई, ये अद्भुत वस्तु क्या है? हैं? अरे ये बर्फ का मीठा गोला है भाई, इसे चूस कर खाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, तो ये खाद्य पदार्थ है। ला भाई, एक गोला मुझे भी खाने को दे दो। एक गोला 10 रुपए का है, ला 10 रुपए का नोट दो, तब तुम्हें गोला दूंगा। 10 रुपए का नोट? ये क्या चीज होती है? अच्छा, तुझे नोट के बारे में पता नहीं? बेवकूफ बनाने के लिए तुझे मैं ही मिला हूँ क्या? भाग यहाँ से। यमराज जी आगे बढ़ गए। आगे चलकर उनको बिरजू खड़ा हुआ नजर आया, जो कि जलजीरा बेच रहा था। जलजीरे वाला, खट्टा मीठा मसाले वाला जलजीरा, 10 रुपए में एक गिलास जलजीरा, 10 रुपए में एक गिलास जलजीरा। यमराज जी बिरजू के पास आकर कहने लगे, भाई ये क्या बेच रहे हो तुम? ये जलजीरा है, स्पेशल जलजीरा। एक गिलास पीकर देखो, तबीयत खुश हो जाएगी। अच्छा, तो ये जलजीरा नामक पेय पदार्थ है। ठीक है, लाओ पिला दो, एक बर्तन भर। पहले 10 का नोट दो, तब पिलाऊंगा। अचरज, घोर अचरज, ये कैसा लोग है जो यहाँ खाने पीने की हर वस्तु नोट देने पर ही प्राप्त होती है? छोड़ो, मुझे नहीं पीना तुम्हारा ये जलजीरा, बस तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। देखो भाई, जो पूछना है जल्दी पूछो, मेरा टाइम खोटा मत करो, दुकानदारी का टाइम है भाई। मुझे ये बताओ, बिरजू जलजीरे वाले का घर कहाँ है? हैं? बिरजू जलजीरे वाला तो मैं ही हूँ, पर तुम कौन हो और मेरे घर का पता क्यों पूछ रहे हो भाई? अच्छा, तो तुम हो बिरजू, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, मैं तुम्हारी आत्मा को परलोक ले जाने आया हूँ, क्योंकि मैं यमराज हूँ। यमराज जी तुरंत अपने असली रूप में आ गए तो बिरजू यमराज को देखकर बुरी तरह डर गया। अरे बाप रे बाप, अभी मेरी उम्र ही क्या है जो यमराज मेरे प्राण लेने आ गए। भाग बिरजू, भाग यहाँ से। और फिर बिरजू अपनी साइकिल व मटका वहीं छोड़कर वहाँ से भाग गया। मूर्ख मानव, यमराज के हाथों से तू कहीं बचकर नहीं भाग सकेगा। यमराज जी फिर से मानव रूप में आ गए और बिरजू के पीछे चलने लगे। थोड़ा आगे जाकर उन्हें सावित्री नजर आई, जो अपने बेटे के साथ बैठी हुई आलू चाट बेच रही थी। आलू चाट खा लो, आलू चाट, पुदीना चटनी वाली आलू चाट, मसालेदार आलू चाट। यमराज जी सावित्री के पास आए और कहने लगे, हे स्त्री, तुम क्या बेच रही हो? आलू चाट बेच रही हूँ मैं, खाकर तो देखो। सावित्री एक पत्ता चाट यमराज जी को देती है। यमराज जी चाट खाते हैं और कहते हैं, वाह, अत्यंत स्वादिष्ट है ये आलू चाट नामक खाद्य पदार्थ, थोड़ी और खिलाओ। सावित्री एक और चाट का पत्ता देती है। यमराज जी उसे खा लेते हैं और फिर एक और पत्ता ले लेते हैं। इस तरह यमराज जी पूरे 10 चाट के पत्ते खाकर डकार लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी आलू चाट अत्यंत स्वादिष्ट है पुत्री। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आय हाय, बिना पैसे दिए कैसे चले जाओगे तुम? चाट के 10 पत्ते खाए हैं तुमने, लाओ 100 का नोट दो मुझे। मेरे पास एक भी नोट नहीं है पुत्री, इसलिए मैं तुम्हें नोट नहीं दे सकता। अरे भाई, मैं तो बहुत गरीब औरत हूँ, तुम मुझे मेरी चाट के पैसे नहीं दोगे तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। हे पुत्री, मैं यमराज हूँ, तुम्हारी चाट खाने के बदले मैं तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देता हूँ। और यमराज जी सावित्री को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। सावित्री सोचने लगी, हैं? ये सच था?
या कोई सपना देख रही थी मैं? उधर बिरजू दौड़ता हुआ अपने घर आ गया। शुक्र है मैं वहां से भाग आया, नहीं तो आज यमराज जी मेरे प्राण हरकर ही छोड़ते। तभी यमराज जी यमराज वाले रूप में अपने भैंसे पर सवार होकर घर में प्रकट हो गए और ठहाका लगाकर हंसते हुए कहने लगे, अरे मूर्ख मानव, जिसकी मृत्यु का समय सर पर आ चुका हो वो यमदेव के हाथों से बच नहीं सकता। मैं अभी तेरे प्राण हर लूंगा। यमदेव जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्राण मत हरिए। यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी और बेटे की देखभाल कौन करेगा? मुझ पर रहम कर दीजिए। तभी वहाँ पर सावित्री अपने बेटे को लिए आ गई और यमराज से कहने लगी, यमराज जी, आप मेरे पति के प्राण नहीं ले सकते। किंतु पुत्री, इसके जीवन काल का समय पूरा हो चुका है, अब इसको ये शरीर तो त्यागना ही पड़ेगा। प्रभु, अगर आपने मेरे पति के प्राण हर लिए तो आपके उस आशीर्वाद का क्या होगा जो आपने मुझे सदा सुहागन रहने का दिया है? बिना पति के मैं सुहागन कैसे रह सकती हूँ? यमराज जी कठिन असमंजस में पड़ गए और कहने लगे, आए, ये कैसी विचित्र परिस्थिति में फंस गया मैं? यदि मैं इस मानव के प्राण हरता हूँ तो मेरा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा, और यदि मैं इसके प्राण छोड़ता हूँ तो ये विधि के विधान के विरुद्ध होगा। अब मैं इस कठिन समस्या का कैसे समाधान करूँ? हे यमराज, जैसे आपने सदियों पहले सावित्री के पति सत्यवान की जान बख्श दी थी, वैसे ही आप इस सावित्री के पति की जान भी बख्श दीजिए। ठीक है पुत्री, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर तुम्हारे पति के प्राण छोड़ रहा हूँ, वो भी सिर्फ कुछ वर्षों के लिए। परंतु जब अगली बार मैं इसके प्राण हरने आऊंगा तो प्राण हर कर ही ले जाऊंगा। फिर यमराज जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगे, दोनों मिलकर कमाने लगते हैं और अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाने लगते हैं। सीख: इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे अच्छे कर्म के आगे कई बार भगवान को भी झुकना पड़ जाता है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए।